और अब बड़ी जानकारी झज्जर से है, जहां पे एक मामूली से झगड़े में भतीजे ने चाची को नहर में धकेल दिया है। आरोपी ने महिला को जवाहरलाल नेहरू कैनाल में धकेल दिया। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस की पकड़ में आरोपी आया है। झज्जर जिले के मुबारकपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक मृतक महिला का शव पुलिस को नहीं मिला है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, झज्जर जिले के मुबारकपुर गांव का ये मामला है। पुलिस रिमांड पर अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी भी महिला का शव बरामद नहीं हुआ है। झज्जर से बड़ी जानकारी है, जहां मामूली झगड़े में भतीजे ने चाची को नहर में धकेल दिया है। आरोपी ने महिला को जवाहरलाल नेहरू कैनाल में धकेला और सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस की पकड़ में अब ये आरोपी आया है। झज्जर जिले के मुबारकपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस रिमांड पर अब आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हुआ है। झज्जर जिले के मुबारकपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर मामूली से विवाद में इस युवक ने अपनी चाची को नहर में धकेल दिया। ये बड़ी जानकारी है, महिला को जवाहरलाल नेहरू कैनाल में धकेल दिया गया और पुलिस को अभी तक मृतक महिला का शव बरामद नहीं हुआ है। एक महीने पहले आरोपी महिला को नहर पर ले गया था और अब पुलिस रिमांड पर आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी है।